चंडीगढ़ के व्यापारियों को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में उनके हितों के उपाय होंगे। बजट इस महीने की 23 तारीख को पेश किया जा रहा है। व्यापारी संगठनों ने चंडीगढ़ व्यापार मंडल के जरिए सरकार से मध्यम वर्ग के कारोबारियों के माकूल उपायों के ऐलान की अपील की है। पिछली बार तो जो बजट इंटरम बजट आया था उसमें तो हमें कुछ नहीं मिला था, तो मेरी पहली तो यही डिमांड है कि जो मिडिल क्लास व्यापारी है, मिडिल क्लास व्यापारी के लिए बजट में कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिस समय मिडिल क्लास व्यापारी है उसको कुछ नहीं मिलता। हमेशा मैंने बजट 2-3 बार देखा है, उसमें हमें मिडिल क्लास व्यापारी को नहीं ज़्यादा मिल रहा, तो एक तो उसमें कुछ ना कुछ सरकार को चाहिए कि मिडिल क्लास व्यापारी का ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया जाए, और हमें ये उम्मीद भी है कि इस बार ऐसा बजट आएगा। व्यापारी संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के मुकाबले फिजिकल स्टोर में मुनाफा कम है, लिहाजा उन्होंने एक समान जीएसटी दर लागू करने की मांग की है। सरकार से अब के बजट में हमें काफ़ी उम्मीद है कि भई ये बैलेंस बजट लेके आएंगे। जैसे अब एक अपना बजट को एक बैलेंस होना चाहिए, कोई 14% है, कोई 18% है, कोई मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि व्यापारी भी या मतलब कि कोई भी उसको वो ना करे कि भाई बिना बिल के ले, या एक बैलेंस होगा उसको लगना ही लगना है। ऐसा बजट आ जाए तो सारे ही उसमें बैलेंस हो जाएगा। देखो सरकार को तो आ ही रहा है, मतलब कि रेवेन्यू आ ही रहा है, अगर बैलेंस होगा तो चोरी कम हो जाएगी। तो सरकार से ये चाहते हैं कि जो टैक्स लगा हुआ है उसको थोड़ा कम किया जाए, और जो हमारे मार्जिन है वो इस वक्त बहुत कम है। देखा जाए तो ऑनलाइन वाले जो हैं हमें काफ़ी टक्कर दे रहे हैं, और हमारे मार्जिन कुछ है नहीं और ऑनलाइन वालों के मार्जिन ज़्यादा हैं। तो हम चाहते हैं कि टैक्स थोड़ा कम किया जाए और हमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए, जो कि ये नया टैक्स जो आने है, टैक्स के कारण जो नया बजट आ रहा है, तो हमें उम्मीदें हैं कि सरकार हमारे बारे में सोचेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस महीने की 23 तारीख को बजट पेश करने जा रही हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि सरकार बजट में उनकी मांगों पर ध्यान देगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.